नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में सीजनली जो है गाने को रिलीज किया जाता है और उस सीजन के अनुसार उस गाने पर काफी ज्यादा प्यार मिलता है, तो फाइनली एक नया भी सीजन अब आने वाला है और वो सीजन है होली का। जी हाँ, अब होली में सारे कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भी हैं वो कहीं ना कहीं अपने गानों को लेकर सुर्खियों बटोरने शुरू कर दिए हैं। कई लोगों के गाने रिलीज हो गए हैं तो कई लोगों के गाने जो है ऑलरेडी बनकर तैयार है और अब इंतजार है तो उस गाने को रिलीज करने का। ऐसे ही अगर इस बात की चर्चा होती है तो सबसे जो बड़ा नाम सामने आता है वो नाम आता है खेसारी लाल यादव का, क्योंकि खेसारी लाल यादव के पिछले 3-4 होली से एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर हिट गाने आ रहे हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में एकदम जबरदस्त तरीके का रिकॉर्ड बनाते नजर आ रहे हैं। बात करें पिछले साल का, तो पिछले साल में खेसारी लाल यादव का एक होली का गाना रिलीज हुआ था जो कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में उस गाने ने झकझोर दिया था और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के जो ऑडियंस थे उन सभी के मोबाइल में ये गाना जरूर रहता था। जी, हम गाने की बात कर रहे हैं, भतीजा तोरा माइयो जिंदाबाद तोर मौसी हो जिंदाबाद। ये गाना इतना ज्यादा वायरल हुआ, कि हर घर के हर लोगों के मोबाइल में ये गाना कहीं ना कहीं बजता नजर आया और ये पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के इतिहास का होली का सबसे बड़ा गाना भी शामिल हुआ था। बात करें तो इस गाने को अखिलेश कश्यप ने लिखा था और ये गाना जो है आदिशक्ति फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था और इस गाने में अल्ट्रा सिंह प्रियंका ने अपनी खूबसूरत आवाज को दिया हुआ था। तो इसी गाने से उत्साहित, इसी गाने से काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले अखिलेश कश्यप एक बार फिर से चर्चा में आने वाले हैं और वजह उनके होली के नए नए एल्बम्स को लेकर। बात करें तो उन्होंने अपने अखिलेश कश्यप जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है और उस वीडियो में उन्होंने बताया है कि अब जो है होली की तैयारी शुरू हो गई है और होली के तैयारी के शुरू के साथ ही भोजपुरी के एक से बड़े एक कलाकार जो है वो हमारे होली गीत को गाएंगे, जिसमें कल्लू के साथ साथ गुंजन सिंह से लेकर अंकुश राजा, अंतरा सिंह, प्रियंका से लेकर तमाम ऐसे कलाकार हैं जो अखिलेश कश्यप के होली के गीत को गाएंगे। लेकिन उस लाइव वीडियो में उन्होंने ये भी बताया कि खेसारी लाल यादव का भी हमने गाना जो है ऑडियो और वीडियो तैयार कर रखा है, यानी कि खेसारी लाल यादव का ऑडियो और वीडियो सॉन्ग जो है वो तैयार है और बस तो अब समय है उसको रिलीज करने का। तो उन्होंने कहा कि मैं ये कहता हूं कि जब ये गाना रिलीज होगा तो एक भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा जो है वो इतिहास रचेगा और खेसारी लाल यादव का इस बार का होली का भी गाना पूरे दुनिया में, यानी कि जहां भी भोजपुरी बोली जाती है उस जगह पर जो है खेसारी लाल यादव के गाने को काफी ज्यादा प्राथमिकता लिखेगी, क्योंकि ये गाना इतने कमाल का लिखा गया है कि भतीजा तोरा माइयो जिंदाबाद तोर मौसियो जिंदाबाद का भी रिकॉर्ड तोड़ने में शायद सफल हो सकता है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश कश्यप जो है कोई भी गाना खेसारी लाल यादव के लिखते हैं और जब आदिशक्ति फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज होता है तो ये गाना इतना बड़ा साबित होता है, कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे लहंगा लखनऊआ को लेकर आप बात करें, फिर हाई हील के सैंडल की बात करें, भतीजा तोरा माइयो की बात करें या फिर ऐरान के समान की बात करें, ये लगातार ऐसे गाने हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। तो फिर ये उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं कि अखिलेश कश्यप के साथ जो खेसारी लाल यादव का होली में गाना आएगा ये भी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा इतिहास के रूप में जाना जाएगा। बाकी आपकी इस गाने को लेकर, जो गाने आएंगे उसको लेकर आप कितना एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।